अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन सुल्तानी गांव में सरदार सफदर खान एडवोकेट के ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। इस मौके पर एक तकरीब का अहतमाम किया गया है। इससे साबिक वफाकी वज़ीर सरदार सलीम हैदर खान और दीगर ने ख़िताब किया है। इस दफ्तर का इफ्तिताह भी सरदार सलीम हैदर खान साहब ने किया है। इसकी एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाता हूँ, लेकिन एक बात वजाहत बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो मैंने ख़ुद नहीं बनाई, ना ही मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया है। ये वीडियो मुझे भिजवाई गई है, इसलिए इसकी क्वालिटी में फ़र्क है और मैं इसकी माजरत आपसे चाहता हूँ, क्योंकि इसका वो मियार नहीं है जो उसका होना चाहिए था। लिहाजा जो तकरीब हुई है वो आपको दिखाता हूँ जी। और हर काम का दारो मदार जो होता है वो नीयत पर होता है। इन नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। आदमी का काम बाजार जितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर नीयत में कमज़ोरी है तो उस अमल का बदला अच्छा नहीं मिलता। लेकिन मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इनके जज्बे को देखकर दिल बड़ा खुश हुआ। एक नौजवान और वो सिर्फ इस नीयत से मैदान में उतर रहा है ताकि वो मज़लूम की मदद करे और अदल व इंसाफ के क़याम में अपनी पूरी कुव्वत और पूरी ज़हानत खर्च करे। और अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, मैंने जो आपके सामने आयत मुबारक तिलावत की, वलकद अरसलना रुसलना बिलबैनात वअंजलना माअहुमुल किताब वलमीज़ान, के अंबिया अलैहिस्सलाम की बेसत और आसमानी किताबों का नज़ूल का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि लियकूमन्नास बिलकिस्त, के लोगों के दरमियान अदल कायम करें, लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करें। और ये जो इंसो अदल व इंसाफ है, ये बहुत बड़ा अजीम नेमत है। ये आज के दौर के अंदर जो हमारा जुडिशरी का सिस्टम है, बरतानिया के कॉलोनियल सिस्टम के बाद बरसगीर पाक व हिंद में जिन दो अजीम शख्सियात ने इस बात को सोचा कि आज खिलाफत राशिदा का दौर नहीं, मुसलमानों का वो उरूज और सितवत का ज़माना नहीं, आज ये हाउस ऑफ लॉर्ड है या डूमा है या अमेरिका की कांग्रेस है, दुनिया के नए निज़ाम में ब्रिटिश निज़ाम हावी होता चला जा रहा है, और जिन्होंने ये जुडिशल सिस्टम बनाया उसी के अंदर रहकर हमने इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हक का साथ देना है, मजलूम का साथ देना है, वो चाहे एक फर्द हो या एक कौम हो। और फिर जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की राहें मुतय्यन कर दी तो फिर ये खिताब बरसगीर पाक व हिंद सब कॉन्टीनेंट जिसके अंदर मुसलमान कौम जुल्म की चक्की में पिसी हुई थी, एक तरफ अंग्रेज साम्राज्य था और दूसरी तरफ हिंदू बनिया था, और उन बुतपरस्तों और मुशरकों के सामने हम मजबूर नातवां थे। जैसे आज कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की हालत है, हमारे हिंदुस्तान के उन मजलूमों की हालत है। तो दो हस्तियां, दो शख्सियात जिन्होंने देखा कि इसी राह पर चलकर, अगरचे बनाया हुआ ये अंग्रेज का सिस्टम और निज़ाम है, लेकिन हम वो दौरे फारूकी नहीं ला सकते आज, हम मुसलमानों का अरूज का वो ज़माना लौटा नहीं सकते आज। इसी माहौल में, इसी अंदाज में, इसी रंग में, इन्हीं के बनाए हुए इन्हीं तरीकों के साथ हम इनकी काया पलट कर रख देंगे। और फिर जिन दो शख्सियात ने इस काम को करके दिखाया, वो दोनों, वो पेंट शर्ट कोट टाई और पतलून पहनने वाले, एक तरफ जनाबे मिस्टर मोहम्मद अली जिना नजर आते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल नजर आते हैं। एक भी वकील है, दूसरा भी वकील है, लेकिन हजराते जीवाकार मैं यहाँ पर रुकूंगा। एक सहाबी रसूल घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। जब आके तो जहां सल्लम तशरीफ ले गए, सरकार तो आलम सल्लम ने देखा कि एक रोशनदान है। सवाल किया सहाबी से कि ये क्यों बनाया, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ताकि ताजा हवा आए। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ये भी नियत कर लेते कि इससे अजान की आवाज आती तो जब तक ये कायम रहता तुम्हें इसका अजर सवाब मिलता।
मैं अपने बरादर अजीज, अपने बच्चे, अपने इलाका की एक जवान शान बान बनने वाले हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाऊंगा कि आप जिस मनसब पर खड़े होने जा रहे हैं, ये जालिम से मजलूम को हक दिलाने का मनसब है। ये मजलूम के साथ खड़े रहकर उसकी आहों और सिसकियों और उसके आंसुओं को पूछने का ये मनसब है। ये दरमियानी किरदार अदा करने का मनसब है। अगर आप इस नीयत के साथ इस मैदान अमल के अंदर आएंगे तो फिर जब तक आप इस पेशे के साथ वाबस्ता रहेंगे और हत्तुल वसा अपनी खिदमात पेश करते रहेंगे, आपको इस पेशे का अजर सवाब मिलता रहेगा। आज हर मिंबर पर बिला लिहाज तफरीक जनाब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के लिए आनर पेश किया जाता है। हर मिंबर से जो आलिम खिताब करता है, डॉक्टर इकबाल के शेर से उसकी इब्तिदा करता है। हजरत ज़ीवकार ये भी वकील थे, इन्होंने भी गोरों के देश में जाकर तालीम हासिल की, इन्होंने उन्हीं के सिस्टम में रहकर एक मुकदमा लड़ा, और जब वो मुकदमा लड़ रहे थे तो हमारी कौम ये कहती थी ये दीवाने की बड़े, कहां अंग्रेज साम्राज्य कि जिनकी सल्तनत में हुकूमत में सूरज गरूब नहीं होता, और पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में इन्होंने लिया हुआ है। उनका कॉलोनियल निजाम, वो नौ आबादियाती निजाम जिसने पूरी दुनिया को अपने पंजे के अंदर इस तरह बंद किया हुआ था, पहली शमा वो यहां से जली और फिर जलती चली गई, और आज बरतानिया और उनका लंदन हमारी एक तहसील के बराबर रह गया है। वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका नारा क्या था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। हजरत ज़ीवकार, उन्होंने इनफिरादी गाजी अब्दुल कय्यूम का, गाजी मुरीद हुसैन का मुकदमा भी लड़ते हैं, न जाने कितने मजलूमों की उन्होंने दादरसी भी की होगी, लेकिन जो पाकिस्तानी कौम का उन्होंने मुकदमा लड़ा हजरत ज़ीवकार, फिर 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसके अंदर आज हम आजादाना सांस लेते हुए हम अपने इन अजीजों को वकालत के मनासे पर फायज होता देख रहे हैं। आज हमारा मुल्क मुल्क है, लेकिन हजरत ज़ीवकार आज भी इस मुल्क के मुस्तकबिल की जो तारीख है, तकदीर है, वो पहले वकील होते हैं बाद में जजेस बनते हैं, वो इन्हीं के हाथों में, एक तरफ जर्नेल है दूसरी तरफ जजेस है। हजरत ज़ीवकार आज भी अगर अदल व इंसाफ के पैमाने सही हो जाए, आज भी अगर बार पाकिस्तान की, पंजाब की, तमाम सूबों की और तमाम हमारी जुडिशरी हक के साथ खड़ी हो जाए, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तारीख बदल सकती है। मैं अपने अजीज को दुआओं के साथ और इन्हीं अल्तजाओं के साथ कि अपनी नीयतों को खालिस करके मजलूम के साथ खड़े होने के अहद के साथ इस पेश के अंदर दाखिल हो जाइए। हम सब आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी के अंदर बरकतें, कामयाबी और कामरानियों से हमकनार फरमाए। है जुरत इजहार का सलीका, हमको आता है जुरत इजहार का सलीका, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। हमारे मोजज मेहमान जो रावलपिंडी से तशरीफ लाए, नामवर वकील, मारूफ कानूनदान, एडवोकेट हाई कोर्ट व शरीयत कोर्ट, और नायब सदर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। मेरी मुराद है काजी हफीजुर रहमान साहब, बहुत सारी सिफात के मालिक हैं, लेकिन सफदर खान ने जिस वजह से उनको दावत दी है वो ये है कि वो वकालत में इनके उस्ताद हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ इनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब काजी हफीजुर रहमान साहब। के वकील का किरदार सिर्फ अदालत में केस लड़ना नहीं, ये एक सानवी हसीयत है। एक वकील के कंधे पे बहुत जिम्मेदारी है, वकील के कंधे पे बहुत जिम्मेदारी है, और आज साजिशों के तहत इस सुतून को कमजोर किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि किसी जगह वकला गर्दी का जिक्र हो रहा है,
किसी जगह जिक्र किया जा रहा है कि जी वकील बहुत बदमाश, हरगिज ऐसा नहीं है। यकीन जानिए हम लोग उस तबके से ताल्लुक रखते हैं कि यहाँ पे जब हमारे हड़तालें चल रही होती हैं, जब हमारे एहतजाज हो रहे होते हैं, तो कौन से लोग बाहर से काले कोट पहनकर आ जाते हैं। लाहौर हॉस्पिटल का वाकया हुआ, वकला ने बंदा पकड़ा, वो वकील नहीं था जिसने सर फाड़े, बाद जिसने गाड़ी को आग लगाई, बाद में उसने अपना तारफ करवा दिया कि मैं तो बैंक मैनेजर हूँ, और इस तरह करके उसको वो कुछ लोग छुड़ा के ले भी गया, वो पता नहीं कौन लोग थे, हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि वो कुव्वतें ये जानती हैं कि इस वकील को बदनाम किया जाए तो वो इस मुल्क पे कब्जा रख सकते हैं। यकीन करें वकील के कंधे पे बहुत जिम्मेदारी है। ये वकील ही थे, मैं गुलाम हैदर साहब की बात को लेता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, कि जिस वक्त मुसलमान भी पाकिस्तान बनाने की मुखालफत में थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग-अलग जमातें थी, कायद आजम ने पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया, फिर वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए, और फिर अल्लाह ताला ने उनको मुस्लिम लीग की बात दौड़ दे दी, और फिर मुस्लिम लीग ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में फतह हासिल की, और उसके बाद इस दुनिया पे इस्लाम के नाम पे कायम होने वाली दूसरी रियासत बनी, और उस रियासत का नाम पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह ये रियासत ता क़यामत रहेगी। वकील का काम सिर्फ अदालतों में मुकदमा लड़ना नहीं है, आज का वकील आइन की पासदारी के लिए खड़ा हुआ है, आज का वकील जाबर और आमर के खिलाफ खड़ा हुआ है। आपको शायद मालूम नहीं कि जब भी वकला ने आवाज उठाई तो किसी वकील को उठा के लेके जाते हैं, उसके सर पे हथौड़े मारे जाते हैं, उसके जिस्म में कीलें ठोंकी जाती हैं, किसी वकील को मारकर झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, किसी वकील को मारकर दूर फेंक दिया जाता है। कितने ही वकला आज ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि जिनका नाम नामालूम अफराद में, उनके घर वालों को नहीं मालूम वो किधर है, चैम्बर से बाहर निकले गायब। वकील बनना बहुत आसान है, वकील बनकर कायम रहना बड़ा मुश्किल काम है। वकील को अपनी प्रेस्टिज कायम रखनी होती है। आप सफदर का वकील बन गए, केसेस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, नहीं ये किसी रेड़ी पे भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि वकील साहब है, वकील ने अपनी प्रेस्टिज कायम रखनी है, अपने काले कोट की प्रेस्टिज कायम रखनी है, उसके बाद उसने आगे चलना है। आज भी वकील आइन की पासदारी के लिए खड़े हुए हैं। आप चले जाएं 2008-09 में मुल्क का क्या हाल था, वकला ने कितनी कुर्बानियां दी, कितने वकला को कराची में जिंदा जलाया गया, और उसके बाद दिखाया गया कि ये मुक्का तुम देख लो, वो मुक्का दिखाने वाला फिर चला गया। वकील ने हमेशा इस मुल्क की हिफाजत की है, वकील ने मुल्क की सियासत पे नज़र रखी है, वकील आप लोगों के लिए लड़ता है, और उसके अपने बच्चे यतीम हो जाते हैं, ना कोई रिटायरमेंट है, ना कोई पेंशन है, और ना ही कोई दूसरी सहूलतें हैं। वकालत का कभी ये रुख भी तो देखा गया, कह दिया जाता है वकील सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है, नहीं, इस्लाम के अंदर तो हदूद है, कोई चोरी कर ले तो उसके हाथ काट दिए जाए, कोई जिना कर लिया जाए या 80 दुरे मारे जाए, शादीशुदा है तो संसार किया जाए, या फिर कसास से अलामा साहब, लेकिन उसके लिए वो सजा नाफज करने के लिए जो मयार उलमा बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मुफ्ती नासिर साहब सामने बैठे हुए हैं, गुलाम हैदर साहब बैठे हुए हैं, साहबजादा साहब बैठे हुए हैं, साहबजादा हामिद नवाज साहब बैठे हुए हैं, उसका मयार सजा देने के लिए तज़कियतुश्शुहूद है, वरना हद नाफज नहीं हो सकती। ये मुफ्ती साहब मैं ठीक कह रहा हूं, तज़कियतुश्शुहूद क्या है,
गवाह सच्चा हो, गवाह ने कभी झूठ ना बोला हो, गवाह के बारे में आम राय हो गई है बिल्कुल सच्चा है, गवाह ने गुनाह कबीरा ना किया हुआ हो, गवाह ने शराब ना पी हो, कौन है हम में से? किसको पहले इस मयार पे पूरा किया जाएगा? इसलिए जराइम को रोकने के लिए ताजीरी सजाएं। 302 में भी जब सजाए मौत दी जाती है तो कसास तो है ही है, लेकिन सजा ताजीरी दी जाती है, क्योंकि कसास नाफिज करना है तो वो गवाह हम कहां से लाएंगे? कुछ मामलात ऐसे हैं कि हम उनको उस सूरत पे जाके तस्वीर का एक रुख देख रहे होते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख हमारे सामने नहीं है। वो ताजीरी सजाएं इस वजह से दी जाती हैं। फिर चोर को जेल में डाल दिया जाता है, डकैत को जेल की सजा दी जाती है, उसके हाथ नहीं काटे जाते, शराब पीने वाले को दुरे नहीं लगाए जाते, जेल में रखा जाता है। ये मामलात हैं। फिर हमारी शहादतें कमज़ोर हैं। मुझे बताएं, अल्लाह ना करे अभी यहाँ पे कोई मुझे फायर मार देता है, कौन गवाह बनेगा? मेरा भाई जो पिंडी में बैठा हुआ है वो कहेगा जी मैं मौके पे मौजूद था, और तो किसी ने गवाह बनना नहीं, गवाह नस जाना। हम अपने ऊपर नहीं देखते ना कि हम कितने मजबूत लोग हैं। जब हम लोग सच्ची शहादतें देने लगेंगे तो फिर वकला भी एक लाइन पे चलेंगे, और उसके बाद जजिस की तरफ से फैसले भी ठीक होंगे। कुछ मयार मुकरर किए गए हैं, उन मयार पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। अगर उस लाइन को छोड़कर, जैसे चेयरमैन साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर, आसिफ नवाज साहब, आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर और अदालती निज़ाम, इसमें फ़र्क है। आर्बिट्रेशन होगी, जिरगा हो गया, इसमें जो भी फैसले हो जाते हैं वो ठीक है, लेकिन अदालत के अंदर जो फैसला होना है वो शहादत पे होना है। कि हमारे मुल्क में दो कानून हैं। कितने कानून हैं जी? दो कानून। एक कानून गरीब के लिए है, एक कानून अमीर के लिए है। जबकि मैंने जब कानून को पढ़ा तो वो वहाँ पे मुझे बोला कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। जब मैंने प्रैक्टिकली देखा तो मैंने देखा कि जहाँ पे FIR होती है गरीब को, पुलिस, मैं खुद साथ था पुलिस के, गरीब को मिनट में हम पकड़ के ले आते हैं, जबकि जब FIR हो जाती है, जब किसी बड़े पे FIR हो जाती है, किसी बड़े अमीर तकड़े बंदे पे FIR हो जाती है, तो वहाँ पे जी सबको मैंने बोलते ये सुन के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जी, इसको अभी हम देखते हैं ये सच है ये झूठ है ये क्या है। जबकि गरीब पे 107-151 का कलंदरा भी हो तो फटाफट पुलिस पकड़ के ले आती है। गरीब के लिए ना कानून है, ना पुलिस है, ना इंसाफ है। जहाँ पे गरीब को जिधर से पकड़ लो, जिस खाते में डाल लो, अगर इतनी से निकली 9A बनता है तो B डाल दो, B बनता है तो C डाल लो। और सरदार साहब से, माजरत के साथ सरदार साहब, आपसे अगर किसी ने कोई बोतल पकड़ रही तो मैंने देखा वो शायद साबित हो गया। इस मुल्क में ऐसा कानून है कि जिसने इसको कानून को जिधर से पकड़ा इधर ले गया, इधर से पकड़ा इधर ले गया, इसकी जो लचक है उसका हर बंदे ने इस्तेमाल किया। और आपसे माजरत के साथ अहलियाने इलाका से एक बात करता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से ऐसे केसेस अपने इलाके में रिपोर्ट होते देखे, क्योंकि मैं एक लोअर क्लास बंदा हूँ, आम आदमी हूँ, उठना बैठना हर वक्त 24 घंटे मेरा लगा रहता है। मैंने अपने इलाके डिस्ट्रिक्ट कटक में तकरीबन हर थाने के अंदर मैंने 5-7-6 महीने 8 महीने लगाए हैं दाएँ बाएँ, तो मैंने देखा है हमारे पास चंद ठेकेदार भी ऐसे होते हैं जिनका ये ठेका है कि किसी गरीब को पकड़ो, किसी खाते में डालो, फिर उसकी जेब से 10,000 निकालो, 5 खुद खा जाओ, 5 किसी ज़मीर फरोश को दे के फिर उसको बाहर लेके आ जाओ, उस पर एहसान भी कर दो, उसको बाद में एहसान भी जब देखो मैं तेरे काम आया था वहाँ पर, अगर मैं ना होता तो तू ना पहुँचता, तू बचता नहीं, तूने फंस जाना था। ये इलाके, मैंने अपने इलाके में यहाँ पर ऐसी वारदातें होती देखी हैं, शमलातों पे, शमलात ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो ना मेरा है ना आपका है। वो जहाँ जब भी ज़िला अटक में मैं पिंडी घेब गया हूँ ढुलिया चौकी पे, वहाँ पे मैंने जाके पिंडी घेब नोट किया, हसन अब्दाल गया वहाँ पे मैंने जाके यही देखा, अटक सिटी गया वहाँ पे मैंने जाके ये देखा, जंड में मैंने ये देखा। ये शमलात जब भी किसी की निकलती है वो अमीर बंदे की ज़मीन के साथ होती है। जब भी किसी का एक मरला किसी गरीब का नहीं निकला, मुझे साबित करके दे
किसी की शमलात ऐसे बंदे की अपने इलाके में देखे। मैंने यकीन माने मैं हलफ कुरान के साथ कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों के अंदर अपनी आंखों के साथ अपने इलाके में ऐसे लोग मैंने देखे जिन्होंने बेगुनाह कत्ल की फयारें बर्दाश्त की। मैंने ऐसे लोग देखे जो खा पी रहे थे, जिनके पास ऊंट भेड़ बकरी थी, उनकी ज़मीन के साथ एक शमलात का टुकड़ा उनके घर साथ लगता था, वो बाद में जो अंग्रेज़ों ने छोड़ दी थी 1909 में कहीं कि यार इस पर कोई स्कूल बनाओ, इस पर कोई कॉलेज बनाओ, ग्राउंड बनाओ, वो हमने दबा ली बाद में कि मैं मालिक हूँ। नासिर सरवर खान ने कहा मैं मालिक हूँ, हाफिज़ साहब ने कहा मैं मालिक हूँ, जो ताकतवर था उसने दबा ली। और गरीबों को मैंने देखा है यहाँ पे, वो रुल गए हैं ये शमलात के एक टुकड़े के पीछे, वो दो वक्त की रोटी खा रहे थे। यहाँ पर मैंने देखा वो बेगुनाह जेलों में पहुँच गए। और मज़े की बात कि मैं पुलिस मुलाजिम होते हुए जहाँ पे मैंने आवाज़ उठाई, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, जहाँ पे मैंने हक की खातिर भी आवाज़ उठाई, चले बतौर इंसान मेरे में फॉल्ट हैं भी, मेरे में फॉल्ट थे भी, ये नहीं कि मैं खुद को कहूँ कि मैं बड़ा अच्छा बंदा था, नहीं, मेरे अंदर फॉल्ट थे, मेरे अंदर फॉल्ट हैं। मैंने कोशिश की अपने अंदर से दूर करने की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, थोड़ी नहीं बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर मैंने किसी हक के लिए आवाज़ उठाई, यहाँ पे उठाई या जंड में उठाई, पिंडी गेम में उठाई या पुलिस में उठाई, तो पुलिस में रह के मैंने देखा, पुलिस में रह के अगर मैंने आवाज़ उठाई, मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस। मुल्क का रूल ये है जहाँ पे आवाज़ उठाई आप घर चले जाओ, जहाँ पे आवाज़ उठाई किसी गरीब के लिए आवाज़ उठाई तो दो चार मैंने देखा उधर खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे नहीं, चूँकि ऐसे है ऐसे नहीं ऐसे है। हर इधर गरीब का वो हाल है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं लोअर क्लास बंदा हूँ, आप जो सारे लोग बैठे हैं शायद आपका कमज़ोर लोगों के साथ कम तल्लक होगा, लेकिन मैं कोई कोठियों कारो वाला नहीं हूँ। सरदार साहब आप भी सुने, ये जो मेरे नाम के लिखा सरदार सफदर खान एडवोकेट है, ये सरदार बता रहे हैं कि मैं उस घर में जिसमें रहता हूँ उसका अल्लाह मालिक है, उसका मैं मालिक हूँ, सिर्फ मेरी सरदारी सिर्फ अपने घर तक है। और दूसरी बात, आज भी सरदार साहब जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ पे बिजली नहीं है, जिस घर में मैं रहता हूँ आप मेरे गांव वाले सारे जानते हैं, मैं सरदार इतना हूँ कि जिधर मेरी ज़मीन है उधर ही मेरा घर है, और आज तक मेरे घर में बिजली नहीं है, और आज तक मेरे घर में आप जाएं कभी आपको इत्तेफाक हुआ आपको दिखाऊंगा, मेरे घर का कोई पक्का रास्ता नहीं है। और सरदार साहब आपको बताने का मकसद कतन ये नहीं है कि मैं आपसे बिजली मांग रहा हूँ, वोट तो हम ऐसे भी दे देते हैं, कोई बंदा हमें कहते हैं जी मैडम हीरो, समझ आइए सारी ज़िंदगी हमने वोट ऐसे दिए, जी मैडम हीरो पे वोट दिए, वोट हमने कभी इसलिए नहीं दिया कि हमें बिजली दें, अल्लाह कर रहे सिस्टम हमारा चल रहा है, अब हमने ज़िंदगी गुजार ली। बाकी रही बात, मेरा इस फील्ड में आने का सिर्फ एक मकसद है, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि ये जो सारे मेरे भाई बैठे हैं जिन्होंने ये समझ रखा है कि गरीब हमारे घर की लौंडी है, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ यहाँ पे वो लोग नहीं आए। मैंने कई लोगों को दावत दी, उन्होंने कहा यार तू बोलता बोलता कहीं झल्ली मारेगा हम फंस जाएंगे, मैं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ ऐसे लोग मैंने अपने हलके में देखे हैं, अपने इलाके में देखे हैं, जो अच्छी भली रोटी खा रहे थे उनके पास कहीं से एक ज़मीन का टुकड़ा आ गया, वो ज़मीन का टुकड़ा किसी के बाप का नहीं था, वो शमलात थी जिसे मैंने भी दबा रखा है आपने भी दबा रखा है, किसी गरीब के साथ ज़मीन पर लगी हमने उस पर बेबुनियाद फयारें करवाई, हमने उनको मुकदमों में घसीट घसीट के जलील किया, आखिर में बात जहाँ तक पहुँची उन्होंने इलाका छोड़ दिया, उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने अपने बच्चे लेके यहाँ से शिफ्ट होके चले गए। मैं वकील सिर्फ अब तबके का हूँ, मैं अल्लाह यहाँ पे मजमे के सामने हल्फ उठा के कह रहा हूँ कि मैं गरीबों की औलाद हूँ, जब तक मेरी जबान रही मेरे में जान रही हम सर तो कटा देंगे, लेकिन कभी अब ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल ये मजमा इकट्ठा करने का बाद मकसद ये है कि कभी अब सियासत नहीं होगी। सरदार सलीम हैदर साहब मेरे मेहमान ज़रूर हैं, लेकिन कभी ऐसे नहीं होगा कि सरदार साहब किसी के साथ ज्यादती करें हम झुक जाएं, नहीं, हम टक्कर सरदार सलीम हैदर से भी लेंगे, जहाँ पे ज्यादती होगी हम खड़े होंगे, हम खड़े हक के साथ होंगे। मैंने बिल्कुल पुलिस के साथ इस मामले में ठोक बजा के बात की है, आप मेरिट पे काम करें, हमने आपके साथ कभी फ़ोन पे बात नहीं करनी, आप मेरिट पे काम करें, आप डट के काम करें, जहाँ पे आपके साथ ज्यादती होगी फिर हम हाजिर हैं, जहाँ पे आप ज्यादती करेंगे तो फिर मैंने बताया कि हमने पुलिस छोड़ दी है।
फिर हमसे कोई गिला ना करे। पहले तो हमारी मजबूरियां थी, हम बोल नहीं सकते थे, यहां से हम बंद हुए थे। जब बोलते थे तो फिर वो फेंकते थे उठा के, कभी इधर कभी गिंजरा कभी तलगांग। मैं तो फिरता ही रहूं जो 14-15 साल की है, कभी डिसमिस फ्रॉम सर्विस घर बैठा रहा हूं, कभी किधर। तो फिर मैंने वो सर्विस छोड़ी इसलिए है कि जहां पे मुझे हक के लिए बोलना पड़े। सफदर खान चुप नहीं बैठेगा, आप मेरा बाप जाती करे पकड़ के ले जाओ। मैं फोन नहीं करने का आदी, ना मैं करूंगा फोन। जहां पे मेरे पे इल्जाम लगा, कोई एक बंदा बता दे कि सफदर खान यहां पे छुपा हुआ था, वहां पे छुपा हुआ था, नहीं। जहां पे इल्जाम लगा मैं खड़ा हो गया हूँ। जिला अटक में अब ऐसे होगा कि सरदार सलीम हैदर पे इल्जाम लगेगा, गिरफ्तारी सरदार सलीम हैदर भी देगा। वरना ये नहीं कि दो कानून चलेंगे, मेरे लिए और कानून है, सरदार साहब के लिए और कानून है। ये काम अब नहीं होगा। इससे पहले भी हमारे मिजाज में ये नहीं है कि हम वैसे टीसी करते रहे, सरदार साहब आ गए। जहां पे सरदार साहब गलत होंगे हम इनको गलत कहेंगे, जो बंदा गलत होगा उसको हम गलत कहेंगे, जो गलत होगा उसका हम रास्ता रोकेंगे और डट के रोकेंगे, समझ आइए जी। और हम खड़े भी हक के साथ होंगे। अगर मेरे वालिद साहब भी किसी के साथ खड़े होंगे और वो नाजायज खड़े होंगे तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। उनका अपना फैसला है, मेरा अपना फैसला है। हमने 4 दिन जिंदा रहे, मैं अल्लाह को गवाह बना के रहा हूँ, 1 दिन जिंदा रहे या 4 जिंदा रहे, 4 दिन जिंदा रहे, चलना हक पे है, खड़े हक के साथ होना है। किसी के साथ हमने कोशिश ये करनी है कि ज्यादती ना हो, पूरी एफर्ट्स के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, कानून की किताबों को हाथ में रख के, बेहतरीन तशरीह के साथ, हर गरीब के साथ हम कोर्ट्स में पेश होंगे और पूरा जोर लगाएंगे। किसी बेगुनाह का न किसी के साथ ज्यादती हो, न किसी बेगुनाह को जेल जाना पड़े, और न किसी के साथ ऐसे हालात बने कि अपना इलाका भी छोड़ के भागना पड़े। न सर चुका के जिए, न मुँह छुपा के जिए, न सर छुपा के जिए, न मुँह छुपा के जिए, सितम घर की नज़रों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 4 दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम उनसे हैं जो शम्मा जला के जिए। हमारे इस्तिकामत से जमाना खूब वाकिफ है, न हमसे मंजिलें छूटी, न हमने यार बदले हैं। हाजरीन ग्रामी, अब आपसे मुखातिब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर और आज की तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब सरदार सलीम हैदर खान साहब। आपकी भरपूर तालियों में जनाब सरदार सलीम हैदर खान। आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टेज पे बैठे हुए काबिल एहतराम दोस्त भाई और सामने बैठे हुए सारे बुजुर्ग भाई, अस्सलाम वालेकुम। और जिस रोड मैप का इजहार इन्होंने किया, जिन ख्यालात का इजहार किया, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और गरीब आवाम के लिए, अपने इलाके के लिए, पिसी हुए तबकात के लिए जो इनकी सोच है, अल्लाह उसमें इन्हें कामयाबी दे। वैसे इस सोच पे और इस रास्ते पे ये ठीक आए हैं कि इन्होंने 7-8 साल पहले पुलिस में लगाए, क्योंकि पुलिस वो महकमा है जिसमें हर रंग के लोग जो है मजबूरी के आलम में उन्हें जाना पड़ता है, और पुलिस वो महकमा है जिसमें सारी हेरा फेरी जो है वो सारी सामने आ जाती है। और फिर उसके बाद बड़ी हिम्मत से इन्होंने ला के इम्तहान पास किया और वकालत में आ गए। और पाकिस्तान में मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वकील वो तबका है जो सबसे ताकतवर तबका है, क्योंकि जब वकील इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनके आगे ना कोई हुकूमत ठहरती है, ना कोई जज ठहरता है, ना कोई पुलिस ठहरती है, और ना आवाम ठहरती है। इसका मुजाहरा हमने कई दफ़ा देखा। लेकिन उस ताकत को अगर मुस्बत साइड पर लगाएं तो मेरा ख्याल है वो ही ज़्यादा बेहतर बात होती है, बजाय इसके कि उस ताकत को अगर मनफी साइड पर लगाएं तो यकीनन दुनिया में भी अगर मनफी साइड थोड़ी देर के लिए चल भी जाएगी तो आखिर उसका अंजाम जो है वह बुरा ही है, और आखरत में भी उसका अंजाम बुरा ही है। और खान साहब को मैं ये यकीन दिलाता हूँ, मुझे ये जैसे मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये इज्जत बख्शी, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि जैसे आपने कहा, मैं वजू में हूँ, अभी तस्वीर पढ़ रहा था, आपके सामने खड़ा हूँ, सियासत कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे MNA भी बनाया, मिनिस्टर भी बनाया, और खान साहब की तरह मेरा भी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था।
मैं भी एक मुतवस तबके का जिम्मेदार था, जिस तरह आप हैं इसी तरह डरनाल में भी कोई बारिश होती है आसमान की तरफ देखते रहते हैं, बारिश होती है कोई चीज़ होती है तो उससे हम आगे चलते हैं और नहीं होती तो फिर दुआएं करते रहते हैं। ज़मीनें बहुत भी हों तो हमारी ज़मीनों की वो वैल्यू नहीं है जो फतेह जंग से परे परे ज़मीनों की वैल्यू है। लेकिन ज़ीरो से जदोजहद की अल्लाह ने करम किया, MNA भी बन गए, मिनिस्टर भी बन गए। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ कि वुजू में खड़ा हूँ, सियासत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के लिए। एक, मुझे जाती इज्जत की जरूर ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे दुनिया में इज्जत दे, और दूसरा अपने इलाके के लिए, अपने कमजोर लोगों के लिए, कि अपने पिसी हुए तबकों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसा मौका दे कि मैं अपने अटक के अवाम के लिए ऐसा कर जाऊं कि जो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाए। और 5 साल तक मिनिस्टर रहा, अल्फन कहता हूँ अपने लिए कुछ नहीं किया, ना मुझे कमाई की जरूरत है ना मुझे कमाई की शौक है। जिस तरह खान साहब ने कहा कि बस अल्लाह पे ईमान है, 2 वक्त की रोटी वो इज्जत की दे देता है और इज्जत पर्दे से गुजारा हो रहा है, मेरा ख्याल है इससे बढ़ के किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि अवाम के हकूक के लिए सड़कों पे निकलेंगे, इंशाल्लाह अवाम के हकूक के लिए हम सड़कों पे भी निकलेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे भी। और जो जैसे आपने कहा, आपने बातें सारी कर दी, जो DCO DPO या बड़े ऑफिसेज में बैठे हुए हैं वो अवाम के टैक्सों के पैसे से वहाँ पे तनख्वाहें ले रहे हैं और वो अवाम के खादिम हैं, उन्हें हम आपके और हमारे सामने जवाबदेह हैं और होना पड़ेगा, और उनसे हम आपके हकूक जो हैं वो इंशाल्लाह छीन के लेंगे। और फिर अगर ना हुआ तो सड़कों पे भी ज़रूर निकलेंगे। और मेरे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, मैं जब वजीर था उस वक्त भी मैं अवाम के लिए, मैंने कई बार इस चीज़ का इजहार किया। जब लोड शेडिंग के हवाले से अटक में जुल्म हो रहा था तो मैंने उस वक्त के GM को अंदर बिठा के 3 घंटे तक सिर्फ इसलिए यरगमाल बनाया था। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी मुझे कहा कि इसको छोड़ दो, तो मैंने कहा नहीं, जब पिंडी इस्लामाबाद की लोड शेडिंग और अटक की लोड शेडिंग बराबर होगी तो ये GM साहब आपके पास आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और फिर आखिरी 2 साल में वो बराबर हुई अटक की लोड शेडिंग, तो मेरे लिए इंशाल्लाह कोई नई बात नहीं है। मैं खान साहब आपसे ये बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ भी अवाम की इज्जत के लिए या अवाम के हकूक के लिए आपने मुझे पुकारा, इंशाल्लाह सड़कों में, गलियों में, महलों में, जहाँ पे कहेंगे इंशाल्लाह अवाम के हकूक की जंग लड़ेंगे। और पहली बात तो ये है कि हम इन बड़े दफ्तरों से इंशाल्लाह अवाम के हकूक जो है वो छीन के यहाँ लाएंगे इंशाल्लाह। और आपने कहा कि आपके पास ना बिजली है ना रास्ता है, तो जब अटक की अवाम हाँ जी वीरों पे वोट देंगे तो फिर रास्ते और बिजलियां तो नहीं होंगी ना। जब आप अपना अच्छा बुरा नहीं देखेंगे तो फिर यकीनन यही हालत होगी। अगर आप गौर करें, किसी पे तनकीद करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे सियासी आके बुलंदो बाला दावे करते हैं कि हमने अटक की तकदीर बदल दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अटक जिला जो है इस पे आप गौर करें, जंड पे गौर करें, पिंडी गेप पे गौर करें, और फिर इस जिले से निकल के चकवाल की हदूद में चले जाएं, वहां पे गौर करें, वहां से निकलकर जेलम की हदूद में चले जाएं, उस पे गौर करें, और फिर इनका आपस में जायजा लें कि ये जो सियासतदान आपके सामने आके कहते हैं कि हमने अटक की तकदीर बदल दी, क्या हम उस किसी कंपटीशन में है? क्या हम चकवाल से आधी तरक्की पे हैं? क्या हम जेलम से 4th AC की तरक्की पे हैं? क्या हम पिंडी से 10th AC की तरक्की पे हैं? पिंडी डिवीजन तो यही कुछ है ना। और फिर जो कभी बाप आ गया, कभी बेटा आ गया, कभी बेटी आ गई, कभी दामाद आ गया, कभी भांजा आ गया, कभी भांजी आ गई, और उनका इकतदार सारा उसका नोट करें और फिर अटक की हालत इजहार देखें, तो मैं समझता हूँ कोई भी जो समझदार बंदा है जिसको इस मिट्टी से प्यार है तो वो रोने से रह नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि जब आवाम ये देखेगी कि कौन वो है कि सिर्फ झूठ के सहारे पे, सिर्फ थाना चौकी और वडेरों के सहारे पे और ब्लैकमेलिंग के सहारे पे आप पे जो है वो काबज रहे,
जन तहसील और पिंडी गेव तहसील वो है कि जिसमें ढेर सारी ऑयल फील्ड्स है और पाकिस्तान का मौजूदा कानून है कि जहां पे तेल और गैस निकलता है पहला हक उस धरती को होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर हुक्मरानी करने वालों ने कितना हक आपका आपको दिया, जो आपकी वोटों से यहां से एमएलए बन के गए, मिनिस्टर बन के गए, जिला नाजम बन के गए, वहां से लाखों रुपए का TA DA और मरहात लेते रहे, प्रोटोकॉल एंजॉय करते रहे, कभी उन्होंने असेंबली में जाके ये भी कहा कि यार अगर जंड की आवाम को उनके हक नहीं दोगे तो मैं इस असेंबली से इस्तीफा दे दूंगा, या मैं जैसे फैसल रजा आबदी कराची वाले ने सेनेट में अपना चेयरमैन के सामने जाके बैठ गया, उसने कहा हमारा ये हक नहीं दोगे तो मैं यहाँ बैठा रहूंगा, मुझे उठा के बाहर फेंको, कम अज कम अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड कराया। इन्होंने वहां जाकर आपकी बात करना और फिर इतने बड़े लेवल पे जाके मुझे शर्म आता है, मैं भी उसी खाते में हूं, मतलब उन्हीं सियासतदानों में शामिल हूं, लेकिन मुझे इनकी हरकतों पे शर्म आता है। अभी ये 3.5 साल गुजर गए हैं, यहां से जीते हुए MNA साहबान जो हैं, यहां से मिनिस्टर हैं, 3 मिनिस्टर हैं, और इन 3.5 सालों में इस जिले का पहली बेड़ा गर्क हुआ था, उससे बढ़कर बेड़ा गर्क हो गया, ये जिला खंडर में तब्दील हो गया। खान साहब कह रहे थे मैं रोड दिखाता हूँ, अस्पताल दिखाता हूँ, खान साहब मैं इसी जिले से हूँ, आप मुझे ये रोड क्या दिखाते हैं, डरनाल से फतेह जंग वाला रोड मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वहां पे आए तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इस रोड की हालत क्या है। और जब एक दफा वजीर आला पंजाब यहाँ पे उस्मान बजदार साहब आए, पहले तो हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें जो तब्दीली के नारे से बेवकूफ बनाकर इस मुल्क में मुसल्लत हुए उन्होंने, और जो मेरिट का नारा लगाकर इस मुल्क में मुसल्लत हुए उन्होंने, सबसे बड़ा मेरिट ये किया कि पंजाब असेंबली, पूरी पंजाब असेंबली में उस पूरे हाल में उन्होंने ढूंढा और उस पूरे हाल में बैठे हुए जो लोग से उनमें से जो सबसे नलायक बंदा था उसको पकड़ के पंजाब का वजीर आला बना दिया, कि जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जो असल पाकिस्तान है पंजाब, उसका वजीर आला उस बंदे को पकड़ के बनाया गया जो सबसे नलायक तरीन बंदा था, और फिर बन गया वजीर आला, वो इधर अटक में आया। तो आप देखें कि अटक के जो नुमाइंदे हैं उनकी हरकतें जो है वो बैसे शर्म है, उन्हें खुद तो शर्म नहीं आती लेकिन अटक की आवाम को यकीनन उनकी हरकतों पे शर्म आती है कि जब वो अटक में उस्मान बजदार आया तो ये आपस में इन्होंने नाराबाजी शुरू कर दी, एक साइड से मेजर ग्रुप साहब जो है उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, दूसरे साइड से मलक अमीन असलम साहब जो मिनिस्टर हैं उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए। अगर उन्हें आपका दर्द होता, अगर उन्हें पता होता कि हमारा जिला अटक जो है वो खंडर बन चुका है, अगर उन्हें पता होता कि हमने इस धरती को बेहतर करना है, हमने इन लोगों के लिए काम करना है, तो वो वहां इंसानों की तरह बैठते और इस बात पे वजीर आला से लड़ते कि आप हमें थोड़ा फंड दे रहे हो, हमें ज्यादा दो, बजाय इसके इन्होंने अपनी जाती खड़पैंची के लिए, जाती लालच के लिए एक दूसरे के खिलाफ नाराबाजी शुरू कर दी और आपके लिए एक टके का फंड नहीं ले सके और वजीर आला नाराज करके यहां से उठ के वो चला गया। जब ऐसे लोग इस जिले पे मुसल्लत होंगे तो फिर इस जिले का हाल यही होगा। और जब आप खान साहब की बात है कि हाँ जी वीरों पे वोट देंगे तो फिर हालत यही होगी। इंशाल्लाह खान साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिर्फ खिदमत के लिए और सिर्फ इसलिए कि और पीपल्स पार्टी में अगर मैं बैठा हूं, मुझे बहुत सारे मौके मिले, 8 से 13 तक मैं मिनिस्टर था तो मुझे 13 में नून लीग का टिकट मेरे घर आके दिया गया, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं टिकट ले लेता 13 से जीत जाता, 13 में जिसने नून लीग का टिकट लिया वो ही जीत गया, जिस तरह 18 में PTI वाला जीत गया, इसी तरह 18 के जिमनी इंतखाब में मुझे PTI का टिकट दिया गया, मैंने नहीं लिया। उसकी वजह भी यही है कि अगर मैं पीपल्स पार्टी में चिमट के बैठा हूं तो सिर्फ इसलिए बैठा हूं, मुझे ये पता है मैं 5 साल उन बड़े वाहनों में बैठ के आया हूं, मुझे ये पता है कि सिर्फ MNA बन जाने से आप अपने लोगों के काम नहीं कर सकते,
चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे पीटीआई है, चाहे कोई भी पार्टी है, जेयूआई नहीं कहूंगा। तो जो भी क्यादत के आसपास 5-7-10 लोग होते हैं, उनके लिए फंड लाना, उनके लिए अपने एरिया के लिए काम करना और बात होती है, और जो बाकी एमएनए होते हैं उनको बचा कुचा ही मिलता है, क्योंकि 100 या 120 एमएनए को वो फंड नहीं मिल सकता जो उन 5-7 लोगों को मिलता है जो क्यादत के, जो फ्रंट लाइन की क्यादत होती है। तो मैंने पीपल्स पार्टी में मार इसलिए खाई है कि आज अगर पंजाब की जो क्यादत है पीपल्स पार्टी के 4-5-6 लोगों की जब मीटिंग होती है तो मुझे उसमें बुलाया जाता है और पंजाब की फ्रंट लाइन की क्यादत में रखा जाता है। खुदा गवाह है, अगर इन अटक के सियासतदानों की तरह मुझे जाती मफाद होता तो मैं 13 में नून लीग का टिकट लेके एमएनए बन जाता, 18 में पीटीआई का टिकट लेके एमएनए बन जाता, लेकिन खुदा गवाह है मुझे अपना मफाद नहीं, मुझे आपका मफाद अजीज है। मुझे पता है कि अगर आप पीपल्स पार्टी इक्तदार में आएगी तो मैं इंशाल्लाह अपने जिले के लिए और अपने लोगों के लिए वो कुछ ला सकूंगा कि जो इंशाल्लाह तारीख में सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। अगर आप हसन, और ये नहीं, स्टेज पे बातें करना बड़ी आसान होती है और अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं आपके सामने जो है वो बुलंद बाला दावे करके यहाँ से चला जाऊं और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उसकी गवाही ना देते हो तो आपको मेरी बातों पे इतबार नहीं करना चाहिए। मैं 5 साल तक हसन अब्दाल फतेह जंग में पहली दफा एमएनए बना, कोई बैकग्राउंड नहीं था, पार्टी ने मेहरबानी की मुझे मिनिस्टर बना दिया, कोई लॉबी नहीं थी, कोई मैं पीपल्स पार्टी की फ्रंट लाइन की क्यादत में नहीं था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से 54 देहात को मैंने सुई गैस फराम की उन 5 सालों में, और अरबों रुपए की मैंने सड़कें, और कम से कम 3,000 से ज्यादा लोगों को मुख्तलिफ वफाकी महकमों में मैंने नौकरियां मैंने क्या दी, अल्लाह ने मेहरबानी की मुझे ये इज्जत बख्शी। तो उन चीजों को अब मैं देख के आया हूं, अगर आप अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं जांड और पिंडी गेम में अल्लाह ने मुझे भेज दिया है और अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सबसे पहला हक आपका सुई गैस का है, जो बहुत आसान है। अगर आपकी लड़ाई को लड़ने वाला हो उस जगह पे जाके, यकीन करे बहुत आसान है इंशाल्लाह। पिंडी गेब और फतेह जंग के तमाम बड़े देहात को अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो सुई गैस आप देखेंगे कि इंशाल्लाह विद इन नो टाइम इंशाल्लाह आपको मिलेगी। और नंबर 2 प्रायोरिटी इंशाल्लाह नौकरियों के हवाले से है, सरकारी महकमों में नौकरी अब उस तरह नहीं मिल सकती कि पहले जिस तरह होता था कि आप अपने लीडर को या किसी को सीवी देते थे और वो लेके आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देता था, अब वो तरीका नहीं हो सकता क्योंकि अदालतें हजार हैं, सोशल मीडिया है, अब महकमों के लिए ये मुश्किल है कि वो सीवी लेके आपको पक्की नौकरी दे दे। लेकिन मैं वहां पे रह के आया हूं, मुझे उन महकमों का पता है, मुझे ये पता है कि मैट्रिक या अंडर मैट्रिक जो नौकरियां हैं उनके लिए कोई मेरिट नहीं है, उनके लिए मेरिट जो होता है वो सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो अपना मेरिट बनाते हैं और अपने लोगों को या पैसे लेके या अपने पसंद के लोगों को उसमें खपा देते हैं। तो मुझे ये पता है कि आपके लिए जो नौकरियां हैं वो किस तरीके से मैंने जो है वो लेके आनी है। तो इंशाल्लाह आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप काफी टाइम से बैठे हुए हैं, तो नियत ठीक है, अल्लाह देख रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा और आप ये देखेंगे कि जो बातें आपके सामने करके जा रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह उनमें जरूर सुखरू करेगा और सफदर खान साहब के इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़े हैं। जहां भी अवामी हकूक की बात आएगी, जहां भी खान साहब किसी गरीब आदमी के साथ ज्यादती होगी, आप थाने, अगर आपने नहीं जाना तो थाने का आपने मुझे बताना है, इंशाल्लाह वो सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा और कचहरी की आप उठा लीजिएगा और इंशाल्लाह हर गरीब के साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह पहले भी किसी गरीब के साथ अगर ज्यादती हो वो मुझे बताए तो कभी मैं इंशाल्लाह पीछे नहीं हटा ये देखते हुए कि मुखालिफ शायद कोई बहुत बड़ा हो, क्योंकि खिदमत की सियासत करनी है और सियासतकार ही खिदमत के लिए रहे हैं। तो अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह इस खिदमत को आगे बढ़ाएंगे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सफदर खान साहब जैसे भाई उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने साथ मिलकर चलने की दावत दी, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आपने बीजेपी के कहा 15 छोड़ के 30 भी आप कहेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह
करेंगे जो मेरे से हो सकेगा इंशाल्लाह, दिन रात कोई कोताही उसमें इंशाल्लाह नहीं होगी। आखिर में आप सब बुजुर्गों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सफदर खान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये इज्जत दी और यहाँ पे आने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया।